New Oxford Modern English Book, Class 7th, Chapter 12, Julius Caesar. Complete explanation in Hindi. Julius Caesar. ये लिखा है शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर. इनके बारे में 100-44 BC, बिफोर क्राइस्ट, जो काउंटिंग होती थी वो उल्टी होती थी. तो 100-44 BC के बीच में जूलियस सीजर का वक्त था. जूलियस सीजर जो थे वो बहुत बड़े रोमन जनरल थे, यानी वो आर्मी में जनरल की उनको पोस्ट दी गई थी. He played a major part in the transformation of Roman Republic into the Roman Empire. उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा वक्त रोमन रिपब्लिक, यानी रोमन एक छोटे से देश को बड़ी रोमन एम्पायर बनाने में काम किया था. सीजर fought in many military campaigns and brought back great riches to home. सीजर ने बहुत मिलिट्री लड़ाइयाँ, मिलिट्री कैंपेन यानी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी थी और अपने साथ बहुत पैसा, बहुत धन दौलत रोम के लिए लेके आए थे. विलियम शेक्सपियर रोट अ प्ले अबाउट द लाइफ ऑफ जूलियस सीजर. विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर के बारे में, की पूरी जिंदगी के बारे में बहुत बढ़िया लिखा है. इट इज़ एन एक्साइटिंग प्ले, ये बहुत बढ़िया नाटक है, ड्रामा है. With many colorful characters, इसमें कई colorful characters हैं. Some powerful speeches भी हैं जिसमें लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात को लोगों के सामने रखा है. And lots of actions. Caesar get assassinated by Brutus, Cassius and other members of Roman Senate. Caesar assassinated मतलब उनको मार दिया गया था. किनके द्वारा? Brutus, Cassius और दूसरे मेंबर सीनेट के. सीनेट मतलब दरबार की, रोम के दरबार के ही. सीजर जो दुनिया में बाहर के देशों से लड़के जीत के आया था, पर वो अपने देश के कॉन्स्पिरेटर यानी जो उनको षड्यंत्रकारी थे, जो उनको मारना चाहते थे, उनसे न बच पाया. उन लोगों ने सीजर को मार दिया. हियर इज द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले. यहाँ पे जो पहला डिस्क्राइब किया गया है, ये पहला ही सीन है इस प्ले का. इन इट यू विल नॉट मीट many of the main characters. इसमें जो भी main characters हैं उसमें से हम किसी से नहीं मिल पाएंगे, but you will hear the Caesar's name mentioned. पर सीजर का नाम बार बार इस प्ले में दिया हुआ है. The citizens of Rome have stopped their work and gathered in the streets to welcome Caesar. जब रोम सीजर अपनी सब लड़ाइयाँ लड़के और अपनी जीत के साथ रोम में आ रहा था, तो उस देश के सभी लोग जो सिटीजन्स ऑफ रोम थे, उन्होंने अपने काम काज सब छोड़ के सब सीजर का स्वागत करने के लिए चल पड़े थे. सीजर हैज जस्ट डिफीटेड पॉम्पी इन अ सिविल वॉर. सीजर इस वक्त जस्ट लड़ाई को लड़के यहाँ आ रहा था. वो लड़ाई उसने पॉम्पी के साथ लड़ी थी. पॉम्पी जो रोम का बहुत बड़ा दुश्मन था, उससे वो लड़ाई में लड़के, उससे जीत के, उसको हरा के सीजर अपने देश आ रहा था. मैरियुलस एंड फ्लेवियस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ट्राई टू डिस्करेज द वर्कर्स फ्रॉम सेलिब्रेटिंग द इवेंट. यहाँ पे दो गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बारे में बताया गया है, जिनका नाम है मैरियुलस एंड फ्लेवियस. ये दोनों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो वर्कर्स को सीजर का वेलकम करने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. उनको ये सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट वो ना करें, ये करने की कोशिश कर रहे हैं. एक्ट वन सीन वन, रोम अ स्ट्रीट. ये जो हम पहला एक्ट देख रहे हैं, एक्ट उसका पहला सीन है ये. कहाँ पे हैं हम लोग? रोम में. रोम उस शहर का नाम है. उसका एक रास्ता, अ स्ट्रीट. एंटर फ्लेवियस, फ्लेवियस एंड मैरियुलस एंड अ थ्रॉन्ग ऑफ सिटीजन. जो पहला सीन दिखाया गया है उसमें फ्लेवियस एक गवर्नर ऑफिशियल है, एक मैरियुलस गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो आते हैं कहाँ पे? जहाँ पे एक भीड़ सिटीजन्स की खड़ी थी, वहां पे. फ्लेवियस अभी यहां आके बोलते हैं. अब ये जो सेंटेंस है, अब कौन बोल रहा है? फ्लेवियस बोल रहे हैं, हेंस होम यू आइडल क्रिएचर्स गेट
यू होम, अभी तुम यहां से चले जाओ अपने घर। यू आइडियल क्रिएटर्स, तुम निकम्मे लोगों, तुम निकम्मे इंसानों, जाओ अपने घर वापस जाओ। इज दिस अ हॉलीडे, क्या आज छुट्टी का दिन है? वॉट यू नो, वॉट नो यू नॉट बींग मैकेनिकल, यू ऑट नॉट वॉक अपॉन अ लेबरिंग डे विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन। वॉट नो यू नॉट, क्या तुम नहीं जानते? बींग मैकेनिकल, तुम एक काम करने वाले लोग हो। मैकेनिकल जो वर्ड है उसका मतलब होता है वर्किंग पीपल, तुम वर्किंग लोग हो। यू ऑट नॉट वॉक अपॉन अ लेबरिंग डे विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन, क्या तुम ये नहीं समझते, तुम ये नहीं जानते कि हमारे यहाँ का रूल है कि जिस लेबरिंग डे मीन्स वर्किंग डे, हॉलीडेज को छोड़ के जो बाकी दिन है दैट इज लेबरिंग डे, जो लेबरिंग डे है उस पे तुम अपने प्रोफेशन के अलावा कहीं पे इधर उधर नहीं घूम सकते, अपने प्रोफेशन के सामान के साथ, अपने प्रोफेशन के चीजें जो पहनते हैं उनके अलावा, यानी जो प्रोफेशन, हर एक प्रोफेशन के जो पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस थे रोम में, उनको फॉलो किए बिना तुम रास्ते पे विदाउट एनी वर्क ऐसे नहीं घूम सकते। स्पीक, व्हाट ट्रेड आर दो, बताओ तुम सब क्या, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? फर्स्ट सिटीजन, व्हाई सर, अ कारपेंटर। पहला सिटीजन ने उस बात का जवाब दिया, क्यों जनाब, क्यों महाशय, मैं एक, या क्यों सर, सर मतलब उसको रिस्पेक्ट करते हुए, बिकॉज वो ऑफिशियल है गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं क्यों सर, बताइए, मैं एक कारपेंटर हूं, मैं एक बड़ई हूं। मैरुलस, व्हाट इज, वेयर इज द लेदर एप्रन एंड द रूल्स, तुम नहीं, अगर तुम कारपेंटर हो तो तुम्हारा लेदर एप्रन जो तुम पहनते हो और जो तुम रूल्स को फॉलो करते हो कारपेंट्री का काम करते हुए, वो सब कहां गए? व्हाट डोस्ट दो विथ thy best apparel on, अब वो उसको बोल रहा है कि क्या तुम ये बोल रहे हो कि ये जो तुमने पहना हुआ है वही तुम्हारा best apparels है, वही तुम्हारे इस काम के पहनने वाले कपड़े हैं? You sir, what trade are you? वहां पे एक दूसरा इंसान खड़ा था, उससे मैरुलस पूछते हैं, तुम बताओ तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा क्या प्रोफेशन है? सेकेंड सिटीजन, जो सेकंड सिटीजन है वो उनकी बात का जवाब देते हुए बोलते हैं, ट्रूली सर, सच में, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन, मैं एक सच में कामकाज करने वाला एक अच्छा इंसान हूं। आई एम बट एज यू वुड से अ कोबलर, पर जैसे आप मेरे से पूछना चाहते हो कि मेरा काम क्या है, तो मैं कोबलर हूं, मैं एक मोची हूं, मैं जूते बनाता हूं। ये जो यहां सीन दिया गया है वो इस तरीके से है, These are the government officials, ये कुछ लोग खड़े हैं, ये उन लोगों से बातें कर रहे हैं। मैरुलस, but what trade are thou? Answer me directly. मैरुलस ने यहां पे कहा, मुझे directly answer दो, मुझे सीधे सीधे बताओ कि आखिर तुम्हारा job, तुम्हारा profession, तुम्हारा काम क्या है? जो second citizen है उसने यहां पे जवाब दिया, a trade sir that I hope I may use with a safe conscience, which is indeed, sir, a mender of bad soul. मैं a trade, मैं एक ऐसा काम करता हूँ sir, that I hope, जिसमें मैं अपने, मैं ये बोल सकता हूँ या मैं hope कर सकता हूँ, that I may use with a safe conscience, मैं जो भी चीज़ें use करता हूँ अपने साफ मन से use करता हूँ, अपने साफ ज़मीर से use करता हूँ, अपने साफ conscience से काम करता हूँ, Which is indeed, sir, a mender of bad soul. या फिर मुझे आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं हूँ एक बुरे जूते के जो तलवे होते हैं, जो जूते के जो सोल होते हैं, जब वो घस जाते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं, उनको मेंडर यानी ठीक करने वाला हूँ मैं। मैरुलस, what trade, दो नेव, दो नॉटी नेव, what trade? मैरुलस ने बोला, कैसा काम, कैसा प्रोफेशन, दो का मतलब होता है यू, नेव मतलब रास्कल या विलेन, ऐसे किसी को गाली देते हुए नेव वर्ड यूज किया जाता है, दो नेव, दो नॉटी नेव, तुम एक बहुत शैतान
विलेन जैसे हो, जैसे शैतान रास्कल हो, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा काम क्या है, तुम उसका ठीक से जवाब दो। सेकंड सिटीजन को भी ये बात उसे पसंद नहीं आई। नहीं, आई बीसीच यू, नहीं, आई बीसीच यानी बैग, आई बैग टू यू यानी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, बी नॉट विथ मी, बी नॉट आउट विथ मी, यानी आप प्लीज मेरे से झगड़ा नहीं करो, जितना हो सके प्लीज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे से उलझो मत। येट, लेकिन फिर भी, इफ यू बी आउट और आप मेरे से बिना मतलब के उलझोगे सर, आई कैन मेंड यू, मैं आपको भी ठीक कर सकता हूं, मैं आपकी भी मरम्मत कर सकता हूं। मैरुलस, व्हाट मेंस्ट दो बाय दैट, मेंड मी दो सॉसी फेलो, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या बोलना चाहते हो, कि तुम मुझे ठीक करोगे, मेरी मरम्मत करोगे, तुम बदतमीज इंसान। सॉसी फेलो मतलब उसको गाली देते हुए उसने कहा। सेकंड सिटीजन, वाय सर, कोबल यू, क्या सर मैं आपको ठीक करूं। फेलवियस, फ्लेवियस, दो, आर्ट अ कोबलर, आर्ट दो, क्या तुम सच में एक कोबलर हो, क्या सच में, क्या तुम्हारा सच में तुम्हारे को ये कोबलर का आर्ट है, क्या सच में तुम एक मोची हो। सेकंड सिटीजन ने इस पे जवाब दिया, ट्रूली सर, हाँ सर सच में, ऑल दैट आई लिव बाय इज विद द एविल, मैं जिसके साथ हमेशा रहता हूँ, जो एक चीज है जो हमेशा मेरे साथ रहती है वह है एविल। एविल क्या होती है, अ टूल कंसिस्टिंग ऑफ अ मेटल हैंडल एंड अ शेफ्ट विथ अ शार्प पॉइंट यूज्ड फॉर पंचिंग द होल्स इन द लेदर, एक सुई के समान होती है जिसको हम पन भी बोलते हैं, जो मोची यूज करते हैं, एक निडल बड़ी जो कि लेदर में छेद करने के लिए, होल बनाने के लिए यूज में आती है। आई मेडल विथ नो, मैं कभी किसी से नहीं उलझता, मैं किसी से कभी कोई झगड़ा नहीं करता, नो ट्रेड्समैन, न कोई बिजनेस जो मेरे साथ करता है उसके साथ, नॉर वुमेन्स मैटर, ना ही मेरे साथ कोई लेडीज को लिया हुआ मैटर है, बट विथ एल मैं किसी से नहीं उलझता, सिर्फ एक इस सुई के साथ या इस जो हमारा जो हथियार है मेरा मोचियों का, मैं सिर्फ उसी के साथ हमेशा रहता हूँ। आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज, आप अगर चाहें तो मुझे ये भी बोल सकते हैं कि मैं एक सर्जन हूँ पुराने जूतों का। वेन दे आर इन ग्रेट डेंजर, जब वो जूते बहुत तकलीफ में होते हैं, लोग उसको उठा के फेंकने वाले होते हैं, तब मैं ही उनको बचाने वाला हूँ। आई रिकवर देम, मैं उनको ठीक करता हूँ। एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रॉड अपॉन नीड्स लेदर हैव गॉन अपॉन माई हैंडीवर्क, अगर कोई एक बहुत अच्छा सा इंसान, कोई प्रॉपर इंसान आप देख रहे हो जो कि अपने पैरों पे अच्छे लेदर के बढ़िया बने हुए जूतों के साथ जाता हुआ दिखाई दे, तो आप यही समझ जाना कि यह मेरे ही हाथों का क्राफ्ट है, यह मेरा ही काम है। फ्लेवियस, बट वेयर फॉर आर्ट नॉट इन दैट शॉप टूडे, पर आज ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे इस आर्ट को कि तुम आज अपने शॉप पे नहीं हो। Why dost thou lead these men about the, क्यों आज about the streets, आज क्यों इन सब लोगों के साथ, ढेर सारे लोगों के साथ तुम इन रास्तों पे भटक रहे हो। Second citizen, truly sir, हाँ सर सही बात है, मैं हमेशा अपने काम में रहता हूँ, आज मैं रास्ते पे हूँ, भटक रहा हूँ, रास्ते पे घूम रहा हूँ। To wear out their shoes to get myself into more work, अगर मैं बोलूँ तो ये बोलता हूँ कि अगर इनके जूते खराब हो जाएं या कहीं जूते किसी के टूट जाएं तो मुझे इमीडिएटली वहीं पे ही जूते बनाने का काम मिल जाएगा, मुझे और काम मिल जाएगा यहीं पे। बट इसके अलावा, इंडीड सर, पर एक और बात है सर, वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर एंड टू रिजॉइस इन हिज ट्रिम, हम एक छुट्टी, आज हमने छुट्टी ले रखी है जो सीजर जो हमारे देश में वापस आ रहे हैं उसकी खुशी का एक हिस्सा बनने के लिए, हम उनके साथ खुश होने के लिए, हम उनके रिजॉइस, उनके खुशी का हिस्सा बनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके ट्रिम्प जो उन्होंने अचीव किया है, ट्रिम्प यानी एक हाईएस्ट पोजीशन जो उन्होंने अचीव की है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने छुट्टी ली है। मॉर्यूलस, वेयर फॉर रिजॉइस, काय की खुशी, काय का ट्रिम्प, व्हाट कॉन्क्विस्ट ब्रिंग ही होम, आखिर वो ऐसा क्या अपने देश में ले आ रहा है, व्हाट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम,
क्या उसने बहुत बड़ी जमीन बढ़ा दी है, क्या उसने रोम की बहुत जमीन को आगे बढ़ा दिया है, बहुत सारी फॉरेन लैंड्स बाहर के देशों को जीत के कॉन्कर करके अपने देश में लेके आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स दिस कैरियोट व्हील्स, किस चीज की तुम खुशी कर रहे हो, किस चीज का तुम खुशी कर रहे हो कि जो हम लोग जो है गुलामी के बंधन में बंधने वाले हैं उसके इस रथ के व्हील्स के साथ, उस रथ के जो चक्के हैं उसके साथ हम भी गुलामी के बंधन में बंधने वाले हैं, तुम उस चीज की खुशी मना रहे हो, उस चीज का तुम ग्रेस कर रहे हो। टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स हिज चैरियट व्हील, चैरियट का मतलब होता है रथ, रथ के पहिए कैरियट व्हील सारे। टू ग्रेस इन कैप्टिव बॉन्ड्स हिज कैरियट व्हील, यानी क्या वो किसी राजा महाराजाओं को गुलाम बना के अपने रथ के साथ बांध के लेके आ रहे हैं जो तुम इतने खुश हो रहे हो, क्योंकि ये जो पोम्पी के साथ सीजर की लड़ाई थी ये एक सिविल वॉर थी, सिविल वॉर यानी देश के अंदरूनी लड़ाई। पोम्पी पहले रोम का जनरल था जैसे कि अभी सीजर था, पर पोम्पी जो है अभी राजा के खिलाफ होके उन अपनी सेना को लेके उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, या ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से पोम्पी को मारना सीजर को जरूरी लगा। तो सीजर ने पोम्पी को मार के और पोम्पी के बेटों को मार के और वो वापस आ रहा था अपने देश में, यानी उस लड़ाई को जीत के वो आ रहा था और उसके ओकेशन में सब लोग उसका सेलिब्रेशन करने जा रहे थे। अब इस पे मैरियुलस आगे कहते हैं, यू ब्लॉक्स, यू स्टोन, यू वर्स देन सेंसलेस थिंग्स, तुम पत्थर, तुम बहुत गालियां जैसे देते हुए, बहुत स्टोन बोलते हुए, उनको हार्ड बोलते हुए, तुम एक सेंसलेस थिंग यानी किसी जिस चीज को कोई सेंस नहीं होता उससे भी खराब हो। ओ यू हार्ड हार्ट्स, तुम्हारा जो दिल है वो बहुत कठोर है। यू क्रूअल मैन ऑफ रोम, तुम जो रोम के लोग हो बहुत निर्दयी हो, क्रूर हो। न्यू यू नॉट पोम्पी, क्या तुम पोम्पी को नहीं जानते। मैनी ए टाइम एंड ऑफ्ट हैव यू क्लाइंब अप टू वॉल्स एंड बैटलमेंट, कई बार, मैनी ए टाइम्स यानी कई बार, ऑफ्ट यानी अधिकतर अक्सर, हैव यू क्लाइंब अप, तुम दीवारों पे चढ़ के और जब वो उससे लड़ाई से लड़के आता था टॉवर्स पे चढ़ के, विंडोज पे चढ़ के, चिमनी टॉप्स पे चढ़ के तुमने पोम्पी को देखने की कोशिश की है, तुम उसे इतना पसंद करते थे। योर इन्फेंट्स इन योर आर्म, अगर तुम्हारे छोटे से तभी पैदा हुए बच्चे जो रहते हैं उसको इन्फेंट्स बोला जाता है, उन बच्चों को भी अपने आर्म में अपने हाथों में लेके, एंड देयर हैव सेट टू लिव लॉन्ग डे विथ पेशेंट एक्सपेक्टेशन, और दिन दिन भर तुम बैठ जाते थे और दिन दिन भर तुम गुजारा करते थे शांति से बैठ के इस एक्सपेक्टेशन में कि तुमको पोम्पी दिखाई देगा। टू सी ग्रेट पोम्पी, अगर तुमको पोम्पी की एक झलक भी मिल जाती थी, पास द स्ट्रीट ऑफ द रोम्स, जो रोम के रास्ते से गुजरते थे, एंड व्हेन यू सॉ हिज चैरियट बट अपीयर, और जब तुम उनका रथ देखते थे और रथ तुमको सब दिखाई ही देता था, हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल शाउट, क्या तुम सब मिलके जोर जोर से उनकी जय जयकार नहीं चिल्लाते थे। दैट टाइबर, टाइबर क्या है, एक नदी है जो कि रोम में है। टाइबर ट्रैम्बल्ड अंडरनीथ हर बैंक्स, जो ट्राइबल है वो भी तुम्हारे उस शोर के आवाज से हिलने लग जाती थी, धड़कने लग जाती थी, कांपने लग जाती थी अपने किनारों पे। टू हियर द रिप्लीकेशन ऑफ योर साउंड, सिर्फ तुम्हारे आवाज के रिप्लीकेशन से, मेड इन हर कॉन्केव शोर, जो तुम उसके किनारों पे किया करते थे पोम्पी के स्वागत के लिए। एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, और अभी क्या तुम उसके मर जाने पे, उसके खत्म हो जाने पे सबसे अच्छे कपड़े पहन के आए हो। एंड डू यू नाउ कॉल आउट हॉलीडे, और तुमने अभी छुट्टी मना रहे हो इसलिए क्योंकि उस पोम्पी और उसके बेटों को खत्म किया जा चुका है। And do you now strew flowers in his way? अभी तुम उस जिसने पोम्पी को मारा है सीजर उसके रास्ते पे फूल बरसाने जा रहे हो। That comes in triumph over the Pompey's blood. और ये सब जो है
वो जो जो उसने अचीव किया है, जो उसने मुकाम अचीव किया है सीजर ने, जो पोजीशन, हाईएस्ट पोजीशन जो तुम बोल रहे हो अचीव किया सीजर ने, वो पोम्पी के खून बहा के की है। बी गॉन, यहाँ से चले जाओ, रन टू योर हाउसेस, अपने घर चले जाओ, फॉल अपॉन 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 योर नीज, अपने घुटनों पे गिर के प्रे टू द गॉड्स और गॉड और भगवान से प्रार्थना करो, टू इंटरमिट द प्लेग दैट नीड्स मस्ट लाइट ऑन हिज इनग्रैटिट्यूड। जो तुमने बुरा कर्म किया है, जो ये तुमने बुरा सोचा है, उस कर्म को खत्म करने के लिए भगवान से दया मांगो कि तुम्हारा सब ठीक हो जाए और तुमको कोई बुरा फल ना मिले। फ्लेवियस, अब फ्लेवियस ने यहाँ पे बोला है, गो गो गुड कंट्री मैन एंड फॉर दिस फॉल्ट, जाओ जाओ अच्छे देशी देश के लोगों, और अपने इस फॉल्ट की, अपने इस गलती की क्षमा मांगो। असेंबल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सेट, और अपने जैसे और भी गरीब लोगों को जमा करो, असेंबल करो नहीं जमा करो। ड्रॉ देम टू द टाइबर बैंक एंड वीप योर टीयर्स, उन सभी को जाके टाइबर नदी के किनारे पे लेके आओ और अपने आंसू वहां जाके बहाओ। इन टू द चैनल, उसकी धाराओं में, उस नदी की जो धार है, जो चैनल है, उसमें। टिल द लोएस्ट स्ट्रीम, बिल्कुल आखिरी स्ट्रीम तक के, आखिरी जो चैनल की जो आखिरी जो लहर होगी उस तक के अपने आंसू बहाओ। डूक इज द मोस्ट एग्जल्टेड शोर ऑफ ऑल, और अपनी क्षमा, अपने हाई इन रैंक या नोबल या खुद, यानी जो जिस पोम्पी के लिए तुमने इतना सब अच्छा वक्त बिताया था, उसके लिए तुम सब नदी के किनारे जाके उस नोबल इंसान के लिए जो तुमने गलत सोचा है उसकी क्षमा मांगो, उसके लिए तुम रो। एग्जिट सिटीजन, सिटीजन्स वहां से चले जाते हैं। एग्जिट यानी एक स्टेज, ये सब एक ड्रामा है जो स्टेज पे हो रहा है। स्टेज का एक डायरेक्शन जहाँ से एग्जिट होता है, जहाँ से सब लोग बाहर निकलते हैं, वहां से सिटीजन्स बाहर चले जाते हैं। सी सी वेदर देयर बेसिस्ट मेटल बी नॉट मूव्ड, दे वैनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टीनेस। चलो अभी चलकर देखते हैं, चलो वहां देखते हैं कि क्या जो उनका बेसिस्ट मेटल यानी एक पर्टिकुलर मेटल होता है, उससे बना हुआ कुछ स्टेचू वगैरह जो हुआ है उसको हिलाया गया है कि नहीं। दे वैनिश टंग टाइड, अगर वो ऐसा करते हैं तो ये खत्म हो जाएंगे, और उनकी जबान बंद की बंद रह गई उनकी गिल्टीनेस में, यानी वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि उनको जो समझाया उसमें उसकी गिल्टीनेस में उनकी जबान बंद रह गई। डू यू गो डाउन दैट वे टूवर्ड्स द कैपिटल, अब दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं फेल्वियस और मैरुलस कि तुम उस तरफ जाओ कैपिटल की तरफ, दिस वे विल आई, और मैं इस तरफ जाता हूँ। डिसरॉप द इमेजेस, और जो भी रास्ते में बड़ी बड़े फोटोज, बड़े बड़े इमेजेस बने हुए हैं सीजर के या दूसरे लोगों के, उन सबको खराब कर दो, उनको गिरा दो। इफ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद द सेरेमनीज मैरुलस, मे वी डू सो, अगर तुमको लगता है कि उनको बहुत अच्छे से उन जो स्टेचूज हैं या मूर्तियां हैं जो कुछ बने हुए हैं मेटल के, वो बहुत अच्छे से तैयार है सेरेमनी के लिए, तो उनको पूरा खत्म कर दो। मैरुलस ने कहा, क्या हमको ये करना चाहिए? मे वी डू सो, यू नो इट इज अ फीस्ट ऑफ ल्यूपर्कल, फ्रांस में एक एनुअल फीस्ट यानी साल में एक त्योहार मनाया जाता है टू ऑनर द रोमन गॉड, रोमन भगवान है जिनका नाम है ल्यूपर्कस, जो ग्रीक मैथोलॉजी में जिसका जिक्र किया जाता है, उसके ऑनर में एक त्योहार, एक फीस्ट मनाया जाता है। उस टाइम पे वो फीस्ट भी था, इसकी वजह से भी उन मूर्तियों को और शहर को सजाया गया था। तो यहाँ पे मैरुलस बोलते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि इनको सिर्फ सीजर के स्वागत के लिए नहीं पर ल्यूपर्कल फीस्ट के लिए भी सजाया गया है। फ्लेवियस, इट इज नो मैटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट नो इमेजेस बी हंग विद द सीजर्स ट्रॉफी, अब हमको एक भी इमेज, एक भी मूर्ति को यहाँ छोड़ना नहीं है जो कि ये दिखाए कि सीजर की ट्रॉफी के लिए ये सब सजाया गया है। आई विल अबाउट, मैं देख लूंगा। एंड ड्राइव वे द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट, ड्राइव अवे यानी भगा दो, किसको? वल्गर मीन्स कॉमन मैन, जो कॉमन मैन जो है, जो कॉमनर्स हैं, जो रास्ते पे सीजर के स्वागत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी रास्ते से भगा दो। सो डू यू टू, तुम भी यही करो। वेयर यू परसीव देम थिक, जहां पे तुमको लगता है कि भीड़ बहुत ज्यादा जमा हुई है, दीज ग्रोइंग फैदर्स प्लग्ड फ्रॉम द सीजर्स विंग,
ये जो भीड़ उसको स्वागत करने के लिए सीजर के आ रही है, वो सीजर उसके उसमें उसके शान में एक और पंख लग जाएगा। यानी सीजर जो है के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग इतना उसको पसंद कर रहे हैं, उन सबको हटाना जरूरी है। विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच, हमको उसको वापस रास्ते पे लाना है। हु एल्स वुड सोर अबाउट द व्यू ऑफ द मैन, जो कॉमन जनता है उसके उससे बढ़कर और किसी का व्यू नहीं हो सकता। एंड कीप अस ऑल इन द सर्वाइव फियरफुलनेस, और अगर कॉमन लोग जो है वो सीजर के साथ मिल जाते हैं तो हमारे लिए हमेशा ये डर बना रहेगा कि जो सीजर है वो कभी भी हमारे यहाँ का हेड या जनरल न होके पूरा हेड बन सकता है। एक्सीडेंट एंड सब लोग वहां से चले जाते हैं। इट इज रिटन बाय विलियम ऑथर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट। उन्होंने ही इज रिगार्डेड ग्रेटेस्ट राइटर माने जाते थे इंग्लिश लैंग्वेज के, और वन ऑफ द बेस्ट ड्रामेटिस्ट भी माने जाते थे वर्ल्ड के। ही रोट अबाउट 38 प्लेज, 150 सोनेट्स एंड कई पोएम्स उन्होंने लिखी। हिज वर्क हैज बीन, उनके काम को बहुत लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। हिज कई प्लेज, उसके कई ड्रामास स्टेज पे परफॉर्म किए जाते हैं। हिज वर्ड्स विल लिव ऑन फॉर एवर, उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए थे वो हमेशा जिंदा रहेंगे। बिकॉज ही इज द मोस्ट कोटेड राइटर इन द लिटरेचर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में उनके लिखी हुई बातों को सबसे ज्यादा कोट किया जाता है।